नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं इंडिया गेट पर, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने आए हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं सभी का अभिवादन करूँगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें कहाँ तक की बराबरी आज मिल गई है महिलाओं को, वो बताएं। पूरी मिल गई है बराबरी तो जी, मतलब जैसे महिलाओं को समझा जाता था पहले पैर की जूती, तो अभी मैं आप देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिंदास होकर आए हैं। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ भी आए हुए हैं और बहुत जीन्स पैंट पहनकर भी आए हुए हैं, तो क्या लगता है कहाँ तक बराबरीता आ गई है? नहीं, अब तो ज़्यादा आ गई है, उल्टा जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से बहुत आगे हैं, पुरुष पीछे हो गए हैं महिलाओं से जी। और ये सब बाबा साहब की कृपा से हुआ है जी। जो उन्होंने संविधान में मतलब महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार दिया था जी। तो ये उसका वो है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गवर्नमेंटों को छुट्टी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो क्या जबकि बहुत सारी महिलाएँ भी नहीं जानती हैं कि बाबा साहब ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या काम करा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा कौन सा करा था महिलाओं के लिए बाबा साहब ने, जो आज भी महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। सबसे पहले जय भीम, मेरे सर को ये ताज तेरे संविधान ने दिया है, ये शान शौकत ये महफिल भी तेरे संविधान ने दिया है, औरों को मिला वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब हम जो सांस ले लें, महिलाओं के लिए सबसे पहले बोल रही हूँ कि जो सांस भी ले रहे वो बाबा साहब के संविधान से ले रहे। जो हमें अधिकार मिले हैं, तलाक का अधिनियम, नौकरी का अधिनियम और बहुत सारे जो दत्तक लेना है, शादी पुनर्विवाह, ये संविधान के मार्फत ही हमें मिला है। और जो हम नौकरी करते अच्छे पदों पे है, ये संविधान के कारण ही है। और हम बाबा साहब को अपने बाप से भी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारे बाप ने तो हमें सिर्फ जन्म दिया है लेकिन उन्होंने हमें जीवन दिया है, इंसान बनाया है। इसीलिए उस इंसान के लिए मैं इंडिया गेट आई हूँ और आज संविधान दिवस है। मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, सभी महिलाओं के तरफ से मैं उनको बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ। और संविधान ना होता तो शायद हम ना होते। जय भीम नवोदय। संविधान को सेलिब्रेट करने आज घर की बजाय घर में क्यों नहीं मनाना पसंद करा, जबकि यहाँ पे इंडिया गेट पर आके सब लोग महिलाएं पुरुष बच्चे सब क्यों मना रहे हैं? ये अधिकार भी हमने बाबा साहब ने ही दिया है हमको कि हम जाएं जगह जगह, सब काफ़ी जगह मनाते हैं संविधान। तो हम लोग सभी हर साल यहाँ इकट्ठा होते हैं, आकर सब लोग आते हैं यहाँ पर और सेलिब्रेट करते हैं, एक पिकनिक मनाते हैं हम लोग, खाना घर से सब बना के लाते हैं। तो संविधान की बदौलत ही है जो महिलाएँ घर से बाहर निकल रही हैं आज सब जी। और बस महिलाएं सब बराबरी का हक है सबका, तो सब बराबर हैं हर जगह, हर क्षेत्र में बराबर हैं महिलाएं। कितनी अच्छी बात बोली कि आज हर क्षेत्र के अंदर जो कार्यरत हैं वो महिलाएं बराबर के काम कर रही हैं, चाहे वो एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, आईजी कुछ भी हो, हर लेवल तक जिसको पहुंचाया है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहुंचाया है। और देश के संविधान को इतना खूबसूरत बनाया है कि इसमें बराबरीता का हक दिया है। और महिलाएँ आज कितनी इनके चेहरों की स्माइल बता रही हैं कि कितनी खुश हैं आज घर पर सबके साथ यहाँ पर आके जो पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद और आपको सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।